हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, ये वाली जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं पे आपने फील किया है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपके साथ होते हैं, ठीक है, सबके साथ होते हैं। सो इसके बारे में अभी हमें ये वाली जो लेक्चर है इसमें पढ़ना है। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, कहां पे आपने ऐसा फील किया है कि चलो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया मेरे साथ। आप चलो देख लो कि अभी आप यहां से कहीं पे अपने घर पे जा रहे हो। ठीक है, आप कहीं पे बाहर आए हो मूवी देखने। ठीक है, सपोज देख लो कि आप मूवी देखने आए हो। अभी तो मूवी देख नहीं सकते, लेकिन सपोज आपने मूवी देख के कंप्लीट करने के बाद फिर आप थिएटर से घर की साइड जा रहे हो। ठीक है, और वो आपका रेगुलर वे है। ठीक है, डेली आप वहां से निकलते हो क्योंकि आपकी स्कूल भी उसी साइड है। ठीक है, सो वो जो रोड है वो उससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो क्योंकि डेली आप उसी रोड से जाते हो अपने घर पे। ठीक है, कहाँ पे बम्प आता है, कहाँ पे किस तरफ मुड़ना है आपको, सारी चीजें, कहाँ पे आपको स्पीड अपनी धीरे करनी है, कहाँ पे बढ़ा देनी है, सारी चीजें आपको मालूम है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सोचना नहीं होगा रूटीन में कि चलो अभी यहाँ से मैं इस तरफ जाऊं, यहाँ से मैं इस तरफ जाऊं। आप अगर अपने दिमाग में मूवी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त के साथ बात करते हुए जा रहे हो अपने घर, फिर भी आप कहाँ पहुंचोगे बेटा, अपने घर ही पहुंचोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चलो यहाँ पे अभी आपको सोचना पड़ेगा कि अरे भैया मेरा घर किस साइड है, मुझे अभी किस तरफ जाना है, ऐसा आपको नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका रूटीन वे है, आप वहीं से जा रहे हो। समझ में आ रही है बात? अभी देख लो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ रूटीन लाइफ का, कि चलो आप नींद में हो, अभी आपको मम्मी ने सुबह उठाया, ठीक है, जगाया आपको आपकी मम्मी ने, ठीक है, कि चलो उठ जाओ बेटा, अभी आपको जॉगिंग के लिए जाना है, एक्सरसाइज के लिए जाना है। फिर क्या होगा, अपने अपने बेड पे से आप खड़े हो गए। ठीक है, फिर नींद में ही चल के किस साइड जाओगे, जहाँ पे वॉश बेसिन है, जहाँ पे आपको ब्रश करना है, जहाँ पे आपको नहाना है, ठीक है, जहाँ पे बाथरूम है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो कि रूटीन चीजें है उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि चलो उठ के नींद में से पहले जगना पड़ेगा, फिर आपको सोचना होगा कि अरे यार किस तरफ जाना है, मेरा ब्रश कहाँ पे रखा होगा, आपको मालूम है कि वहीं पे रहता है, मुझे उठ के ये वाले बेडरूम से यहाँ तक जाना है। ठीक है, सो और आपको मैंने आपको रोड का भी एग्जाम्पल दिया। सो ऐसी जो सारी चीजें जो कि आप अपनी रूटीन लाइफ में करते हो, ठीक है, डेली जो आप चीज करते हो उसमें आप सोचते नहीं हो। ठीक है, यानी कि वो चीजें आपके लिए कॉमन हो चुकी है, अभी आपको उसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो यूजुअल है, वो रूटीन लाइफ की सारी प्रोसेसेस है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसमें आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं करते जितना आप जब पहली बार किसी चीज को करते हो तब करते हो। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है, आपने फील किया है। ठीक है, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तब जब पहली बार हम बनाते हैं, पहली बार आप किचन में घुसे हो, मम्मा ने बोला है चलो ये बना दो, ये वाली सब्जी बना दो, सो पहली बार जब आप कुछ बनाते हो तब आपको उसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करनी होगी कि इतनी क्वांटिटी है, चलो अभी इतनी मिर्ची इसमें डलनी चाहिए, इतना नमक इसमें होना चाहिए, इतना सॉल्ट होना चाहिए, इतना लेमन जूस होना चाहिए। ठीक है, सो आप जब फर्स्ट टाइम कुक करते हो तब आपको उसमें सारी चीजें ध्यान रखनी होगी कि चलो इतनी देर हुई अभी हमें गैस बंद कर देना है। ठीक है, लेकिन जब आप रूटीन में डेली लाइफ में डेली जाके किचन में जाके सब्जी बनाते हो या फिर कुछ ना कुछ कुक करते हो देन आपको उतना नहीं सोचना होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए रूटीन चीज है, अभी आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, सो ये सारी जो एक्शंस है वो हमारी रूटीन एक्शंस है, रूटीन लाइफ की प्रोसेसेस है।
अभी आप बोलोगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे आई, अभी बताती हूँ ठीक है, कि रिफ्लेक्स एक्शन किससे बोलते हैं, एनी क्विक एक्शंस, ठीक है, जो क्विक एक्शंस रहती है जो कि इनवॉलेंट्री है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो चीजें याद रखो, इनवॉलेंट्री एक्शन है और दूसरा क्या है बेटा, क्विक एक्शन है, इनवॉलेंट्री एंड क्विक, ठीक है। अभी आपको मालूम है इनवॉलेंट्री क्या है, मैंने हमारी अगली लेक्चर में ही, आगे वाली लेक्चर में ही बताया था, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अच्छा सा मालूम है आपको हार्ट का बीट करना, स्टमक की जो प्रोसेसेस है वो सारी, ठीक है। सो ये जो सारी एक्शंस है उसे इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा, ऐसी ही एक प्रोसेस है जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं है और वो क्विक एक्शन है, ठीक है, सडन एक्शन जो होती है। अभी कहाँ पे होती है, अभी देख लो, आप अपनी जो रूटीन प्रोसेसेस है वो कर रहे हो, मूवी के थिएटर से घर की साइड जा रहे हो और वो आपका रूटीन वे है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं करते। अभी देख लो, आप अपने दोस्त के साथ गप्पा मारते हुए, बातें करते हुए चलो जा रहे हो, दोनों मूवी के बारे में ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सपोज आप हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपका दोस्त पीछे बैठा है, ठीक है। अभी क्या होता है, आप अपना अपनी वे पे जा रहे हो, बातें करते हुए बहुत खुश हो आप, ठीक है, ऐसे ही आप जा रहे हो और सडन अचानक से ही आपके सामने एक ट्रक आ जाता है कहीं पे, आपका ध्यान तो बातों में था, ठीक है, सो आपको पता नहीं चलता। अभी अचानक से ही आपके सामने ट्रक आ गया, क्या होगा बेटा, आपने देखा ट्रक आया और आप फटाक से ऐसे साइड में अपनी बाइक का हैंडल करके साइड में से निकल जाओगे। फिर क्या होगा, निकल तो गए, अभी आपकी आपका जो हार्ट है वो जोरों से धड़कने लगेगा, ठीक है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, स्वेट्स निकल आए, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैं बच गए, ठीक है, ऐसा हुआ है कभी, ठीक है। सो ऐसी जो सारी एक्शन है जो कि सडन होती है, रूटीन लाइफ की एक्शंस जब आप परफॉर्म करते हो तब उसमें कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो कि आपके लिए कैसे है बेटा, हार्मफुल है, ठीक है। रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे चेंज आए जो कि आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। अभी वो हार्मफुल जो चेंज आया, यानी कि जो आपके सामने ट्रक आया, उससे बचने के लिए आपका जो बॉडी है वो क्विक एक्शन करता है। यहाँ पे क्विक एक्शन क्या था बेटा, आपकी हैंड की मूवमेंट, जो कि आपने हैंडल को मूव कर दिया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जो क्विक एक्शंस आते हैं जो कि आपको हार्मफुल चीजों से बचा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अभी दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, फिर अचानक से ही वहां पे आपने किसी को छुआ, आप किचन में हो, ठीक है, फिर वहां पे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बर्तन को आपने छू लिया जो कि गर्म है, फिर क्या होगा, जैसे ही आप उसे छूओगे आप अपना हैंड क्विकली पीछे की साइड मूव कर दोगे, ठीक है। रूटीन में आप सब्जी बना रहे हो, आज भी आप बना रहे हो, ठीक है, फिर क्या होगा, अचानक से ही वहां पे किसी गर्म बर्तन से आपने गलती से उसको छू लिया, फिर क्या होगा कि आप अपनी हैंड की मूवमेंट पीछे की साइड कर दोगे, ठीक है। सो ये भी क्या था, क्विक एक्शन था। तो अभी आप सोचने नहीं बैठोगे कि चलो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, अभी इसको मैंने छुआ फिर मेरे हाथ में रेशेस हो जाएगी, मुझे गर्म लग जाएगा, ठीक है। सो तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड जैसे ही आपने छुआ आपने हाथ ले लिया, उसमें आपने कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं की है बेटा, ठीक है। आपने सोचने में अगर आप टाइम गवाओगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। सो ऐसा ही आपका हाथ मूव हो जाएगा। सो ये भी क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन है। अभी रिफ्लेक्स एक्शन को इनवॉलेंट्री क्यों कहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पे देख लो कि आप रोड पे से जा रहे हो, आपने
सडन जो हाथ की मूवमेंट की, अपने हैंड्स की जो मूवमेंट की उसमें आपने सोचा नहीं था, ठीक है, आपने कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं की थी। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कब होती है बेटा? जब उसमें ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। ब्रेन के जो थिंकिंग पोर्शन वाले जो पार्ट्स है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, वो जब इन्वॉल्व रहता है तब आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि आपने, मैं आपको पूछूंगी कि चलो आपने बेटा सिक्स चैप्टर लाइफ प्रोसेस अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, फिर आप थोड़ा सोच के मुझे बताओगे, क्योंकि ना बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ा है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछने लगूंगी, ठीक है। सो ऐसी जो चीजें है उसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है, लेकिन जो रिफ्लेक्स सेक्शन है उसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेन के वो वाले पार्ट्स जिससे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होता है जैसे कि फोर ब्रेन है, वो इन्वॉल्व नहीं है। सो रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है बेटा? क्विक एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री किसे बोलते हैं? जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है। सो रिफ्लेक्स सेक्शन इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, एंड क्विक एक्शन। सो ऐसी जो चीजें रहती है जो कि हमारी रूटीन लाइफ में रहती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ओके बेटा, सो यहाँ तक का आपको क्लियर है? अभी आप बोलोगे मुझे बेटा, कहीं जो बच्चे हो आप मुझे बोलोगे कि मैम ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो ये सारी रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे साथ होती है, जो कि हमारे लिए एकदम ही हमको हार्मफुल कंडीशन से बचा लेती है, ठीक है। सो ऐसी जो सारी रिफ्लेक्स एक्शंस जो अच्छी अच्छी रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो कंट्रोल कौन करता है बेटा, उसके कमांड्स कौन देता है? इसके कमांड्स देती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड जो ब्रेन के जो बचे हुए पार्ट्स है, ठीक है, थोड़े से जो दूसरे पार्ट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो मेन जो रिफ्लेक्स एक्शन, जो ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शंस रहती है, उसे स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है। क्लियर है बेटा इतना? सो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड क्विक एक्शंस, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, देख लो कि जब ब्राइट लाइट आपकी आई पे आती है, ठीक है, अभी आप नॉर्मल लाइट में हो, ठीक है, आप अच्छे से अपनी जो, चलो देख लो, आप अपनी सोसाइटी में कहीं पे अपने जो नेबर्स है उसके साथ आप बैठे हो, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे हो, ठीक है, बाहर की साइड। अभी क्या होगा बेटा, सडन आपकी आई में ब्राइट लाइट आ गई, ठीक है, कि किसी व्हीकल की लाइट अचानक से ही आपकी आईज में आ गई, ठीक है, आईज पे आ गई, फिर क्या होगा, जो आपकी प्यूपिल की साइज है वो चेंज हो जाएगी, आपकी आई जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है, क्विक। सो ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, अचानक से जैसे ही लाइट आए आपकी आई बंद हो जाएगी, जैसे आपको मालूम होगा, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। देन सडन जर्क विथड्रॉवल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन, ठीक है, अभी आप कहीं पे अभी आप हो, ठीक है, फिर क्या होगा कि आपके हैंड पे किसी ने अचानक से क्या कर दिया, प्रिक कर दिया, या फिर किसी ऐसी जो पिन जो है वो आपको चुभ गई, तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अचानक से यहाँ पे मुझे कुछ हैंड में चुभ गया, तो क्या होगा बेटा, अपना मेरा जो हाथ है वो पीछे की साइड आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्लियर बेटा इतना? बहुत इजी है। अभी दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस रहते हैं, वन इज सोमेटिक, सेकेंड इज विसरल, ठीक है, दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस रहते हैं।
सोमेटिक एंड विसरल। अभी ये टर्म से आप फेमिलियर ही हो शायद और नहीं हो, सो यहाँ पे देख लो कि जो सोमेटिक वर्ड है वो जनरली यूज होता है किसके लिए, जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल जो पार्ट्स रहते हैं यानी कि हैंड्स लेग्स ठीक है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे ये सोमेटिक वर्ड स्केलेटल मसल के लिए यूज हुआ है ठीक है। सो सोमेटिक मसल के लिए यहाँ पे सॉरी स्केलेटल मसल के लिए यहाँ पे सोमेटिक टर्म यूज हुआ है ठीक है, जो कि वॉलेंट्री है ठीक है। वॉलेंट्री हमारे स्केलेटल मसल्स आपको मालूम है कि हैंड की मूवमेंट लेग की मूवमेंट ठीक है, जो जनरल मूवमेंट है वो वॉलेंट्री ही है। लेकिन जब आपके स्केलेटल मसल रिफ्लेक्स एक्शन की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगे तब क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस आएगी ठीक है। सो सोमेटिक एंड सेकेंड इज विसरल, यानी ऐसे ऑर्गन जो कि स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स है, हमारा जो स्टमक है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे जो ऑर्गन है उसे हम विसरल बोलते हैं ठीक है, जो कि स्केलेटल मसल में इन्वॉल्व नहीं है और जिसकी मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के दो टाइप है, वन इज सोमेटिक सेकेंड इज विसरल। सोमेटिक में क्या होगा बेटा, अफेक्ट स्केलेटल मसल। जब हमारे वॉलेंट्री स्केलेटल मसल के साथ रिफ्लेक्स एक्शन होगी, यानी कि जब मेरे हाथ में किसी ने प्रिक कर दिया तब मेरा हैंड पीछे की साइड मूव करेगा। अभी हैंड में यहाँ पे क्या है, बोन्स है, मसल्स है जो कि स्केलेटल मसल का पार्ट है, जो कि वॉलेंट्री है, मैं अपने हैंड को जैसे चाहूं मूव कर सकती हूँ। लेकिन अच्छे से पढ़ना बेटा यहाँ पे ध्यान दो, लेकिन जब मेरे हैंड के साथ रिफ्लेक्स एक्शन आएगी, यानी कि किसी भी सडन एक्शन में ये मेरा हैंड इन्वॉल्व होगा कि गर्म चीज को मैंने टच कर ली फिर मैं ये ले लूंगी ठीक है, तब इसकी एक्शन हमारे ब्रेन के वो थिंकिंग वाले पार्ट है वो कंट्रोल नहीं करते ठीक है। सो ये जो मैंने हैंड की मूवमेंट की उसे बोलते हैं सोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है बेटा इतना ठीक है, बहुत इजी है बेटा ठीक है। सो एंड सेकेंड दैट इज विसरल रिफ्लेक्स एक्शन। अभी ये क्या है बेटा, जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व है और अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स एंड ऑल ठीक है। अभी आप देख रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ विसरल रिफ्लेक्स एक्शन का ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी चीज हुई ठीक है, कुछ ऐसी चीज हुई जिसमें आपको आपकी जो ग्लैंड है उसमें से सिक्रीशन उसका जो है वो या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा ठीक है। सपोज आप देख लो कि कुछ चीज हुई आपके साथ कि चलो आपके पीछे शेर पड़ गया और कुत्ता पड़ गया, तब क्या होता है बेटा, स्वेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन हो जाती है, हमारे जीआई ट्रैक्स यानी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के जो ऑर्गन्स की अंदर जो मूवमेंट रहती है ठीक है, उसे बोलते हैं विसरल रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है। जब आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आप हार्ट जो है आपका वो ज्यादा बीट करने लगता है, ज्यादा ब्लड का सर्क्यूलेट करने लगता है, क्यों, क्योंकि सारे सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और उसे ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा ठीक है। सो ये जब हार्ट बीट इंक्रीज होती है और ज्यादा ब्लड को पंप कर देता है, सो वो इसका पार्ट है बेटा विसरल रिफ्लेक्स एक्शन का ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख लो। और अगर आपको आप खुद से सोचो कि दूसरे कौन से एग्जांपल्स हैं ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के कितने सारे एग्जांपल्स रहते हैं बेटा ठीक है, जो कि आप अपनी रूटीन लाइफ में बिना सोचे ही, ज्यादा बिना सोचे ही कर लेते हो ठीक है। सो अभी एक और टर्म है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है बेटा ठीक है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देख लो कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो कि आप इस पे देख सकते हो। ओके बेटा, सो यहाँ पे आप देख लो कि रिफ्लेक्स आर्क जो कि दिया है ठीक है,
इसमें आप देख लो कि कैसे एक जो है, ठीक है, ये जो बॉय है वो मोमबत्ती को टच कर रहा है, ठीक है, फिर वहां से सिग्नल एफरेंट न्यूरॉन से पास करके फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और फिर वो मोटर न्यूरॉन से वापस आते हैं, ठीक है, और वो अपनी हैंड की मूवमेंट कर देता है पीछे की साइड, ठीक है। अब यही रिफ्लेक्स आर्क हमें समझना है कि क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रखा है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क जो कि पाथवे है, यहाँ पे जो पाथवे बनता है न्यूरॉन्स का, ठीक है, कि कैसे स्किन में से सिग्नल पास करते करते स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, फिर कैसे वो मसल्स में मूव करता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पाथवे जैसा बनेगा न्यूरॉन्स का, ठीक है, जिससे मैसेज पास होते हैं, ठीक है। सो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क और कुछ नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो मैसेजेस पास होती है स्पाइनल कॉर्ड को और वहां से प्रोसेसिंग होके जो मैसेज पास होगी मसल्स को और जो कि आप मसल की मूवमेंट कर दोगे, सो इससे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का पाथवे बनता है। सो वो जो पाथवे बनेगा जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है बेटा इतना? रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ बनता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ओके। अब यहाँ पे देख लो कि कौन सा रिफ्लेक्स आर्क बना है, मैंने क्या ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। सो हमने अभी जो पिक्चर देखी उसमें हमने देखा कि जो बॉय है वो जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, उसकी फ्लेम को वहां पे टच कर रहा था, ठीक है। आपने गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या किसी फ्लेम को आपने ऐसे टच कर दिया, ठीक है। आपने शायद आपने अपनी लैब में बर्नर के ऊपर काम किया होगा, ठीक है। जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं तब उसमें बर्नर आता है, ठीक है। सो वो जो बंसन बर्नर है उसमें आपने अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें जो फ्लेम है गलती से आपने उसको टच कर दिया, ठीक है। सो टच किया यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसका है यहाँ पे, स्किन का है। यहाँ पे देख लो कि आउटसाइड क्या रहता है बेटा, बोन्स रहते हैं? नहीं रहते। क्या रहता है? स्किन रहती है, ठीक है। सो वरना हम क्या बन जाएंगे, वो स्केलेटल सिस्टम की जैसे वो लैब में रखी होती है, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे सो बोन्स के ऊपर स्किन की लेयर प्रेजेंट रहती है, 7 लेयर ऑफ स्किन। और स्किन में क्या रहता है बेटा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ से आए, आपको मालूम है बेटा, न्यूरॉन के ऊपर डेंड्राइट्स रहते हैं और डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए अभी मैसेज क्या है बेटा, कि हॉट ऑब्जेक्ट को स्किन ने यहाँ पे टच कर दिया। यहाँ पे मैंने स्किन की लेयर ड्रॉ करने की ट्राई की है, ठीक है। सो ये क्या है बेटा, स्किन की लेयर है। अब यहाँ पे भी हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, जहां पे आपको फील होता है वहां सभी जगह पे हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अभी क्या होगा बेटा, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर जो है उसने मैसेज को रिसीव किया कि हॉट ऑब्जेक्ट को हमने अभी टच किया है, यानी कि आउटसाइड जहां पे हमने टच किया वहां पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, ठीक है। सो ये जो रिसेप्टर है उसने ऐसा मैसेज रिसीव किया, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे से अभी मैसेज, ये जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वो पाथवे के ऊपर आपको फोकस करना है। सो यहाँ से जो मैसेज आई वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगी। अब एफरेंट न्यूरॉन क्या है बेटा, हमने सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, नाव के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ये और कुछ नहीं, सेंसरी न्यूरॉन किसे बोलते हैं बेटा, एफरेंट न्यूरॉन किसे बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है, दोनों एक ही है। यहाँ पे आप सेंसरी लिख सकते हो और ये क्या हुआ, मोटर,
ठीक है, जो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज कैरी करता है उसे हम बोलते हैं सेंसरी, ठीक है, न्यूरॉन। सो यहाँ पे भी क्या है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा है, दैट इज एफरेंट, ये उसका दूसरा नाम है और कुछ नहीं। जैसे आपके कितने सारे नाम रहते हैं, घर में कुछ और नाम से बुलाते, बाहर कुछ और नाम से, ठीक है। सो इसी तरीके से सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं और मोटर को इफरेंट, ठीक है। ए और ई में गलती मत कर देना, एफरेंट यानी सेंसरी, इफरेंट यानी मोटर, ठीक है। सो यहाँ पर रिसेप्टर ने मैसेज को रिसीव किया और उसने पास किया एफरेंट न्यूरॉन को, एफरेंट न्यूरॉन ने क्या किया, वहां से मैसेज को कहाँ लेके आया, स्पाइनल कोड में। अभी आप बोलोगे यहाँ पे कहा आपने स्पाइनल कोड ड्रॉ करके रखी है, ये जो स्ट्रक्चर है वो सेक्शनल व्यू है स्पाइनल कोड का, ठीक है। सो ये सेक्शनल व्यू है जो कि हम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, पूरी स्पाइनल कोड यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये सेक्शनल व्यू उसका ड्रॉ किया है। सो यहाँ से एफरेंट न्यूरॉन जो है वो मैसेज कैरी करती हुई कहाँ जाएगी, स्पाइनल कोड में घुस जाएगी। स्पाइनल कोड में रिले नाउ प्रेजेंट रहती है जो कि हमने पढ़ा था हमारी अगली वाली लेक्चर में। रिले नाउ क्या है बेटा, रिले नाउ यानी इंटर न्यूरॉन उसका दूसरा नाम है, ठीक है, फिर इसका भी दूसरा नाम आ गया, ठीक है। ये क्या करेगी बेटा, रिले न्यूरॉन एफरेंट और इफरेंट को कनेक्ट करती है, सेंसरी में से मैसेज कैरी करके प्रोसेसिंग करके मोटर को पास करती है, वही मैंने आपको बताया था ना मेरे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर अच्छे से देखिए तभी ये कंसेप्ट आएगा, इसीलिए बोलती हूँ अच्छे से सारी वीडियोस देख लो। एफरेंट न्यूरॉन में से जो मैसेज आया वो इंटर न्यूरॉन में जाएगा, इंटर न्यूरॉन में प्रोसेसिंग होगी वहां पे, जो कि रिले न्यूरॉन भी हम उसे बोलते हैं, जो कि स्पाइनल कोड में ज्यादातर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, क्या प्रोसेसिंग होगा कि हाथ अपना विड्रॉ कर लो, वहां से हटा लो, ठीक है। सो यहाँ से जो मैसेज जनरेट हुआ दूसरा मैसेज कि अपने हाथ को वहां से हटा लेना है, ठीक है। सो यहाँ से अभी मैसेज पास होगा इफरेंट को, और इफरेंट यानी मोटर, और वो जाके हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है जिसको मूवमेंट शो करनी है यानी कि वो है मसल्स, ठीक है, हमारा है हमारे हैंड के मसल्स, ठीक है, हमारे बॉडी की स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ से मैसेज पास होगा इफेक्टर ऑर्गन को जो कि मसल्स है, और फिर हम वहां से हैंड को हटा लेंगे, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ही मैसेज आया रिले ने प्रोसेसिंग किया और मैसेज पास हो गया हमारे मसल को, सो यहाँ पे मूवमेंट कैसी रहेगी, क्विक एक्शन होगा, ठीक है। आप फटाक से अपना हाथ खींच लोगे पीछे की साइड, अगर आपने देरी कर दी और आपने सोचा कि नहीं चलो ये गर्म है, ठीक है, अभी यहाँ पे हाथ रखा फिर जल जाएगा, फिर सो हमें अभी क्या करना है, हमें अपना हाथ अभी हटाना है, फिर आप सोचोगे कि चलो हटा लेते हैं, फिर आप हटाओगे उतनी देर में आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। सो ऐसी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ब्रेन के भी दूसरे पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके का पाथवे इन्फॉर्म होगा जिसमें स्पाइनल कोड में प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैसेज पास किया इफरेंट न्यूरॉन को स्पाइनल कोड ने, उसके बाद दूसरा मैसेज जनरेट होगा जो कि ब्रेन को पास होगा, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, यहाँ से देख लो, चलो यहाँ पे यहाँ से जो मैसेज आया वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कोड में एंटर हुआ, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, और जो मैसेज जनरेट हुआ वो इस तरफ पास होगा मोटर न्यूरॉन की साइड पे, और वो लेके जाके इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल पास कर देगा, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जो मैसेज पास हुआ वो जाके इफेक्टर मसल को मिल गया, और अभी यहाँ से जो प्रोसेसिंग हुई उसमें से जो मैसेज जनरेट हुआ वो यहाँ पे पास होगा, और उसके बाद यहाँ से मैसेज पास होगा किसको, ब्रेन को भी मैसेज पास होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप ट्रक आने पर, जैसे ही आप
उससे उसकी बाजू वाली साइड से निकल गए, उसके बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, आपको होगा कि थैंक गॉड मैं बच गया, वरना क्या हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता। सो उसमें फिर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व हुई। सो यहाँ से फर्स्ट मैसेज इसको पास होगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जो फर्स्ट मैसेज है वो यहाँ से पास होकर हमारे इफेक्टर ऑर्गन में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड जो दूसरा मैसेज है वो ब्रेन को भी मिल जाएगा कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटने वाली थी लेकिन हम लोग बच गए, ठीक है। सो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है जो कि रिफ्लेक्स आर्क के बारे में है, जिसमें इस तरीके का पाथवे फॉर्म होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लो, मैंने ब्लॉक डायग्राम भी बना के रखा है, ठीक है, कि किस तरीके का ब्लॉक डायग्राम बनता है, जो कि आप अपनी एग्जाम्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का भी बनाना हो बना सकते हो, ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो, कितने मार्क का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है बेटा इतना। अभी यहाँ पे देख लो मैंने स्टिम्यूलस लिखा है। अभी स्टिम्यूलस क्या है? एनी एनवायरमेंटल चेंज जिससे क्या होगा, हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा एनवायरमेंट में चेंज आया जिससे हमें रिस्पॉन्स करना होगा, उसे बोलते हैं स्टिम्यूलस, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होगा, स्टिम्यूलस होगा। अभी यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल लिखा है उसमें स्टिम्यूलस क्या है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, बाहर की साइड हॉट ऑब्जेक्ट को हमने छू लिया है। सो वो हमारे लिए, वो एनवायरमेंटल चेंज क्या है, हमारे लिए स्टिम्यूलस का काम करेगा, ठीक है। सो स्टिम्यूलस की आने की वजह से मैसेज जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पे मैसेज जनरेट हुआ जो कि सेंसरी न्यूरॉन में पास होगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यानी एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन में से ही मैसेज पास होते होते कहाँ पे आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन में से मैसेज पास होके आगे यहाँ पे आएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है, और यू कैन से इंटर न्यूरॉन, जिसका दूसरा टर्म है इंटर न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन में से मैसेज आगे पास हुआ और इंटर न्यूरॉन में चला गया, वहां पे प्रोसेसिंग हुई कि हमें हाथ हटा लेना है। फिर वहां से मैसेज आगे पास हुआ मोटर न्यूरॉन में जो कि इफरेंट न्यूरॉन है, और वहां से पास होगा इफेक्टर को जो यहाँ पे है मसल्स, क्लियर है बेटा इतना। सो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ लिया, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके बेटा। सो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ ली, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स लेके आप रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्मेल की बात करते हो तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। सो इस तरीके के अलग अलग जो कि बहुत इजी है। सो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। सो हमारी ये जो वीडियो है जिसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की, अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन के कौन से पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। सो ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, अच्छे से अच्छी नोट्स बनानी है, टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ लो एक बार ये वीडियो देखने के बाद, जिससे आपको और एग्जांपल्स मिल सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन आप एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, जो कि आपको हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।